Hi, welcome to my vlog. ये व्लॉग शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि ये व्लॉग उन लड़कियों के लिए जो कहती है कि लड़के आउटिंग की प्लानिंग नहीं कर सकते, लड़कों की आउटिंग की प्लानिंग शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है, वो आउटिंग कितनी बोरिंग जगह जाते हैं, वो लड़के जब भी हमेशा सब साथ होते हैं तो सिर्फ हमारे बारे में बात करते हैं। देख बहन, हम लड़के एक पॉइंट तक पागल, बेवकूफ, अनऑर्गेनाइज, मतलब जो कहना है कह लो, ठीक है, पॉसिबल है, लेकिन जब इंजॉयमेंट की बात की जाए तो हम लड़कों से ज्यादा कोई भी इंजॉय नहीं कर सकता। नहीं मतलब यार, आमिर भाई को देख लो, कैसे तीन तीन शादियां करके अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहा है। ये क्या बात करता है यार। ओके यार, मजाक था, अभी डिसलाइक करने से गालियां मत देना शुरू कर देना, मुझे मालूम है आमिर भाई का एंजॉयमेंट लेवल वो तो कुछ ज्यादा एक्सट्रीम है। मैं बगैरा तो वापस आते हैं इस व्लॉग पर। ये व्लॉग मैंने कुछ दिन पहले शूट किया था जब हम सब दोस्तों ने पता नहीं किधर से कैसे अनएक्सपेक्टेडली एक प्लान बना। किसी ने यार व्हाट्सएप में ग्रुप बनाई और सबको ऐड कर मैसेज किया यार कहीं बाहर जाते हैं, बीच पर जाएंगे, हाइकिंग करेंगे, बारबेक्यू करेंगे, मतलब यार बस ऐसा कुछ मैसेज आए और ऑटोमेटिकली एक प्लान बन गया। और मानो या ना मानो, ये मेरी लाइफ का सबसे स्मूथ विदाउट एनी नॉनसेंस आर्ग्यूमेंट या फाइट, मतलब ड्रामा श्रामा कुछ नहीं हुआ और शुरू से लेके एंड तक पूरा हो भी गया। The fuck? दिन, लोकेशन और मीटिंग पॉइंट सब सेट था और क्योंकि लोकेशन बहुत ही दूर थी इसलिए मैं सुबह के 7:30 घर से निकल गया। पहले तो मिलना था एक दोस्त को जो पूरी ग्रुप में सबसे दूर रहता है। फिर शुरू किया हम लोगों ने 2 घंटे का सफर, पहले बस, फिर दूसरे दोस्त को मिलना, फिर मिनी बस, फिर एक छोटी सी ब्रेक और फिर टैक्सी। और इन सब ख्वारी के बाद हम सही सलामत लोकेशन पर पहुंच गए। तो फाइनली बस के बाद मिनी बस और मिनी बस के बाद टैक्सी और टैक्सी के बाद लोकेशन पे पहुंच गए। उसके बाद हाइक भी करनी है क्योंकि हम लोग तीन बॉयज से अभी तक आए हैं और तीन बॉयज और रहते हैं तो वेट करते हैं उनका। तब तक आप लोग यार ये चेक करो, ये पीछे जो देख रहे हो ना, ये सब कुछ चेक करो। मजे आए 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 मजे आए 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 आए। पिछले कुछ टाइम से लॉकडाउन और कोरोना वायरस ने जिंदगी को बिल्कुल कैद बना के रखा हुआ था। पूरी फैमिली 6 बंदों की 1 3 BHK फ्लैट में पिछले 2 महीनों से लॉकडाउन। हालत टाइट थी यार, बाकियों को तो नहीं पता लेकिन मुझे इस ट्रिप की ना जरूरत थी। ये व्यू, ये नेचर और ये ताजा हवा, कोई अल्फाज नहीं यार बयान करने को। 30 से 40 मिनट वेट करने के बाद जो बाकी 3 लोग थे ना वो भी आ गए और बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोगों ने शुरू कर दी हाइक। हाँ, इतनी ख्वारी के बाद अभी भी 20 मिनट की हाइक रहती है। गाने तो एक बंदा था जो चला रहा था, गाने भी बंद कर दिए तूने। तो हाइकिंग शुरू हो गई है, देख लो। तो यार 10-15 बार बीच में रोकेंगे, जिधर भी अच्छी व्यूज दिखी तो फोटोज लेंगे, बट हम चलते हैं यार आगे की तरफ। हाइक काफी सिंपल थी तो 20 मिनट कैसे गुजर गए नहीं पता चला। एक साइड पे एपी डिलो के गाने और दूसरी साइड पे यार इंस्टाग्राम की स्टोरीज कैप्चर करना। और इसी एंजॉयमेंट के साथ हम लोग पहुंच गए अपनी लोकेशन पर। नहीं सीरियसली, ये ही फाइनल लोकेशन है। हमें इससे आगे यार कहीं नहीं जाना था, इधर ही जाना था, इससे आगे की जा भी नहीं सकते क्योंकि एक साइड पे समुंदर है, दूसरी साइड पे माउंटेन और बीच में हम जो आते सारे बीबीक्यू का जुगाड़ करने लग पड़े क्योंकि ये जगह यार इतनी आइसोलेटेड ना, यहाँ पर कोई इतना आता ही नहीं है, तो जो भी करना था वो सब कुछ हमें खुद ही करना था। लेकिन हम ठहरे लड़के, नहीं मतलब यार सब कुछ इतना सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिना किसी मस्ती के कैसे हो सकता है, कुछ सेंस नहीं बांध रहा। लेकिन उठाना चाना चिकना क्या भाई, मैंने क्या बोल रहा हूँ बारह छोड़ दे कमर पे। Wait a minute. कमर पे नहीं उठा सकता तेरे बारे में, पहले ट्राई किया है ना, और आगे लेके चल। क्यों नहीं हम ऐसे ही सब कुछ छोड़ के, यहाँ तक कि जो सामान लेकर है उसको भी साइड पर रख कर कोई लेके जाता है
जाने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने जो पत्थर है ना बड़ा सा, बस इसको उठाना है और रखना है, और इसमें कोई शर्त या फिर कोई रिवॉर्ड कुछ भी नहीं है, बस अपना ही एक मजा है। अब हमारे ये ट्रिप ना जानबूझ के प्लान किया गया था फ्राइडे को। देखो यार, इसका एक रीजन ये है ना कि पिछले कुछ टाइम से लॉकडाउन चल रहा है इधर, तो काफी मस्जिद बंद है, तो जुम्मे की नमाज भी काफी मिस हो गई है। तो हम लोग ने सोचा यार पूरा प्लान करते हैं फ्राइडे को, इसी बहाने सब मिलकर साथ में जुम्मे की नमाज पढ़ लेंगे। इबादत हो गई, अब इनके अंदर के शैतान ना मस्ती करने लग पड़ा। नहीं, फाइट नहीं हो रही और ना ही कोई रीजन है इसका, बस हमारे अंदर यार वो एक मस्ती वाला कीड़ा है, और जब वो कुछ ज्यादा तंग करता है ना तो हम लोग ऐसी हरकतें करते हैं। इन सब के अंदर मस्ती थी और मेरे अंदर थी भूख, तो भाई मैं तो निकल पड़ा खाने की तरफ। फूड का सीन तो यार नेक्स्ट लेवल था, मतलब कि ये सिनेमैटिक शॉट्स खुद ही देख लो। नहीं नहीं, ये देखकर गलत मत सोचना, मैं अकेला बीबीक्यू बना के बिल्कुल नहीं खा रहा था, ये तो सिर्फ यार व्लॉग के लिए एक शॉट लिया गया था, वरना रियलिटी तो ये है कि मैं बनाने वाला था और बाकी सब खाने वाले। A few moments later. वो डाल के कौन लाए? पेट भर के खाने के बाद अब सीन कुछ ऐसा था कि एक साइड पर थी बीच, हमारे पास था वॉलीबॉल और हम सब हैं लड़के, नो डाउट। तो भाई एक बीच वॉलीबॉल शोडाउन तो बनता है। शुरू तो हम लोगों ने वॉलीबॉल के मैच से किया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो कबड्डी का मैदान बन गया, मतलब कि वॉलीबॉल से सीधा कबड्डी, ये काम ना सिर्फ हम ही कर सकते हैं। अब अगर तुम्हें ये लगता है कि यार इस चीज से अजीब और क्या हो सकता है, मतलब कि यार एक वॉलीबॉल के मैच को एक कबड्डी का मैदान बना दिया, इससे आगे हम लोग और क्या कर सकते हैं, मतलब क्या चूसपा काम और हो सकता है, तो भाई खुद ही देख लो क्या हो सकता है। One eternity later. Yes! Oh, thanks, mate.
अब ऐसे ही मस्ती मजाक में हम लोगों ने पूरा दिन स्पेंड कर दिया और फिर इरादा किया यार चलो अभी आराम आराम से निकलते हैं, कुछ टाइम पे अंधेरा हो जाना है और रात के टाइम पे हाइक करने यार काफी डेंजरस है और ये रही आइसोलेटेड जगह, यहाँ पर मतलब कि मर मर आ गए तो किसी को पता भी नहीं चलना, तो निकलना ही बेहतर है। और वैसे भी यार ये कैंप साइट है, यहाँ पर लोग वीकेंड को आते हैं, रात को रहते हैं, सुबह जाते हैं और फुल टू मतलब वो बीच वाली सी वाली वाइब नेचर वाली वाइब एंजॉय करते हैं। और लोगों से मेरा मतलब है कि वो कपल्स हमसे तरसे हुए सिंगल्स नहीं। तो हम निकल पड़े वापसी की तरफ, सोचा कि यार जो गंद बनाया वो जाके सफाई करते हैं उसकी और आराम से पैकअप करते हैं, खुद को साफ करते हैं और हाइक करके निकलते हैं। लेकिन जब हम वापस गए और जो सामान हम लोगों ने इतना बेफिक्र होकर साइड पर रख के ऐसे ही चले गए थे बीच पर एंजॉय करने के लिए, मस्ती करने के लिए, उस सामान की क्या हालत हो रही थी यार खुद ही देख लो। कुछ टाइम इससे पंगे, सॉरी मेरा मतलब है इसको साइड पे करने के बाद हम लोगों ने जो सामान बच गया था ना सेफली उसको पैक किया, सारा का सारा कचरा उठाया, सही थके हुए निकल पड़े वापस हाइकिंग की तरफ। ये एक ऐसी डे ट्रिप थी जिसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, मतलब यार शुरू से लेके एंड तक सब कुछ शक और मेबी की बुनियाद पर चल रहा था। और यार सच्ची बात बताऊं मुझे तो यार प्लान के शुरू से लेके वो हाइकिंग वाले पॉइंट तक यही डर था कि यार अभी कोई मैसेज करेगा या कॉल करके बोलेगा कि भाई भाई यार अबू नहीं मान रहे, भाई यार घर पे मेहमान आ गए, भाई यार मतलब कि कुछ इमरजेंसी होगी है मैं नहीं आ सकता और प्लान कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अल्लाह के करम से जबरदस्त हो गया। और यार ये होती है बॉयज की आउटिंग, शुरू से लेके एंड तक फुल टू एंजॉयमेंट और बेफिक्र होकर जो दिल में आया किया। और यार जो मैंने शुरू में बोला लड़कियों के बारे में, प्लीज एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए था, कोई भी बंदा अपने दिल में मत लेकर कॉमेंट करके मुझे सुनाए मत, ठीक है? वो सिर्फ एक ओपनिंग थी जो मुझे मिल रही थी, मैंने ये यूज़ किया। तो इसी के साथ यार मेरी ये ब्लॉग खत्म होता है, छोटा सा डिफरेंस था मजेदार का ब्लॉग, आपको अच्छा लग गया तो यार नीचे कॉमेंट करके बताओ और लाइक करो, क्योंकि आपके कॉमेंट और लाइक पर डिपेंड करता है कि ऐसी ऐसी वीडियोज या ब्लॉग्स और आएंगे या नहीं। मेरे तो बड़ा दिल करता है बनाने का क्योंकि मैंने तो खुद बड़ा इन्जॉय किया है, बाकी आप पर डिपेंड करता है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो, फिर तुम लोग बोलते हो यार सब्सक्राइबर्स मेरे इतने कम क्यों मैसेज करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करोगे तो बढ़ेंगे ना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, भाई की हेल्प करो, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ ताकि मोटिवेशन मिले और मजेदार और डिफरेंट वीडियोस बनाने की। तो अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।